क्वीन के बाद अब क्या किंग की बारी? क्या खतरे में है ब्रिटेन के नए किंग? 2026 में होगा क्या कुछ बड़ा? नमस्कार, शायद दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो ब्रिटेन की क्वीन और ब्रिटेन के शाही परिवार के बारे में नहीं जानता होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी देखे जिसके हाथों में राजशाही शासन की कमान आई, उसने ब्रिटेन समेत 15 देशों पर राज किया। क्वीन के पद पर एक से बढ़कर एक प्रभावशाली शख्सियत रही, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे अलग थी। उनका करिश्माई व्यक्तित्व देखे आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। हालांकि अब क्वीन के जाने के बाद राजशाही गद्दी किंग चार्ल्स की है, लेकिन क्या वो लोगों के बीच महारानी एलिजाबेथ की तरह लोकप्रियता हासिल कर पाएंगे? 73 साल की उम्र में उनकी ताजपोशी हुई, और जिसका मतलब साफ है कि भाई 7 दशक तक प्रिंस वो रहे, और ऐसे में देखे बतौर किंग ब्रिटिश राजशाही को संभालना प्रिंस चार्ल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी से कुछ देशों में शाही शासन का विरोध हो रहा है। अब इन सब के बीच जैसे जंगल में आग पकड़ती है, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया में शाही घराने से जुड़ी दो भविष्यवाणियां जमकर वायरल हो रही है। एक भविष्यवाणी सच हो चुकी है और दूसरी भविष्यवाणी के सच होने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। अगर आप भविष्यवाणियों में सच्चाई ढूंढते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, जैसे महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ, ट्विटर यूजर लॉगन स्मिथ का एक ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। लॉगन स्मिथ नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाएगी, और ये चीजें हैरान तो देखे करती हैं, क्योंकि देखिए किसी की मौत से जुड़ी भविष्यवाणी का सच होना कोई आम बात नहीं है। अब एक और ट्वीट लॉगन स्मिथ नाम के ट्विटर यूजर से ट्वीट किया गया है, जिसमें ब्रिटेन के नए किंग की मौत की भी तारीख बता दी गई है। ट्वीट में किंग चार्ल्स की मृत्यु की तारीख हर किसी को हैरान कर रही है। जी हाँ, ट्वीट में ये दावा किया गया है कि 28 मार्च 2026 को किंग चार्ल्स की मृत्यु होगी, यानी 4 साल बाद ब्रिटेन के किंग चार्ल्स भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि देखिए इस ट्वीट पर दुनिया भर के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हालांकि जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, लॉगन स्मिथ नाम का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी अब प्राइवेट हो चुका है, और अब कुछ लोगों को देखे इस ट्वीट में सच्चाई नजर आ रही है तो कुछ लोग देखे इसे महज अफवाह मान रहे हैं। लॉगन स्मिथ के इन ट्वीट्स की प्रमाणिकता को देखे हम भी सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको ये जरूर कहेंगे कि भाई कुंडली वो आईना है जो इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, भूत भविष्य और वर्तमान से जुड़े संकेत देता है। उदाहरण के तौर पर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज को ले लीजिए, जिनके दावों में क्वीन की जन्म कुंडली उनके हर राज से पर्दा उठा रही थी। जी हाँ, बीते दिनों मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने इस बात का दावा किया था कि भाई उनके पिता ज्योतिष आरजीआर भारद्वाज ने ना सिर्फ क्वीन की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, बल्कि महारानी के संबंध में जितनी भी भविष्यवाणियां की वो भी सच निकली। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि उनके पिता ने महारानी एलिजाबेथ II को 1953 में खत लिखकर उनकी जन्म कुंडली की जानकारी दी, और जिसके जवाब में महारानी की ओर से धन्यवाद पत्र भी आया। ये तब की बात है जब महारानी एलिजाबेथ अपना कार्यभार संभाल रही थी क्वीन का, यानी जब उनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की रही होगी। अब इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की माने तो भाई उनके पिता आरजीआर भारद्वाज ने भविष्यवाणी करके ये कहा था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जन्म कुंडली में खास बात यह है कि उनकी लंबी उम्र होगी और उनके शासन में किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने राज्य को संचालित करेंगी, पूरी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध होगा। और इतना नहीं, इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ये भी दावा करते हैं कि भाई उनके पिता ने ना सिर्फ क्वीन की कुंडली बनाई, बल्कि 300 वर्ष पुरानी प्रभु श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण और गुरु नानक देव जी की भी कुंडली बनाई। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, नेहरू से लेकर पटेल और वीर सावरकर से लेकर मदन मोहन मालवीय, इन तमाम शख्सियतों से ना सिर्फ उनके पिताजी की भेंट हुई, बल्कि इन सब की कुंडली भी आज उनके पास मौजूद है। तो इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अगर इन दावों पर यकीन किया जाए तो देखिए 69 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि क्वीन का 70 सालों का शासन बेहद शांतिपूर्ण रहेगा और एक लंबे समय तक शाही गद्दी को वो संभालेंगी। तो अपने 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ 70 सालों तक ब्रिटेन के अलावा 14 देशों पर राज कर पाई, और अब किंग चार्ल्स का दौर है, और उनकी मृत्यु से जुड़ी वायरल भविष्यवाणी अचंभित तो जरूर करती है किंग को लेकर, लेकिन किंग चार्ल्स के राज में ब्रिटेन का साम्राज्य कितना बदल जाएगा? कमेंट करके ये बताइएगा आप जरूर।